अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। तो मिनी व्लॉग, हाँ जी, मैं बस कुकिंग करने लगी थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन और आलू का, वो जो होता है ना देगी शोरबा टाइप, वैसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा ना गला खराब है, मौसम चेंज हो रहा है, सीजनल एलर्जीज हुई हैं। मैं भी बीमार हुई थी, नॉट लाइक सिक सिक बट मुझे लग रहा था मैं बीमार हो रही हूँ, तो बस मैंने फ़ौरन से जो है वो मेडिसिन खानी शुरू कर दी है। तो बस अभी जो है वो प्रॉपर रेसिपी तो है नहीं दूंगी, क्योंकि आलू चिकन का तो हर किसी के घर बनता ही है, सो इट्स लाइक सबको पता है कैसे बनाने, पर मैंने कहा चलें मैं साथ साथ रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और हाँ, आज मैं आप लोगों को अपने बर्ड भी दिखाती हूँ। उनमें से एक जो है वो बेचारा मर गया था, आई डोंट नो उसे क्या हुआ था। समर टाइम था तो शाम को मैं उनको बाहर रखती थी गैलरी में, बाहर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखेंगे, मैं कह रही थी आपको मैं बाहर दिखा देती हूँ। अभी तो जो है वो रात का टाइम है ना, तो ये आप देखिए। अच्छा, यहाँ पर ना पाकिस्तान का जैसा नहीं होता, मतलब अब आसमान चेक करें, अभी भी आपको लाइट सी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल पिच डार्क। ओहो, बिल्कुल पिच डार्क नहीं होता, वो मैंने एकदम जूम आउट कर दिया था तो वो एकदम ब्लैक हो गया था। एनीवेज, ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर टमाटर लगाए हुए हैं। अच्छा, ये ना नेचुरली लग गए हैं, ये देखिए, माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा। मैं यहाँ पर ना सिर्फ बीज फेंक देती थी टमाटरों के, मिर्चों के भी फेंकती थी, लेकिन लकीली टमाटर निकल आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मैं आपको फ्रंट का दिखा देती हूँ, यू नो जो लोग रहते हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मॉप मैंने धो के तो वो रखा हुआ वहाँ पर। एक्चुअली मैं अलाउ नहीं है बाहर कुछ भी रखना, ये बस एक सीट सी रखी हुई है इधर, और बस ये देखें सामने का व्यू। पहले हम यहाँ रहा करते थे ऊपर, देन नीचे आ गए, और बस ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो खैर, मैं क्या कह रही थी कि मैं अपने बर्ड्स को जो है ना वो यहाँ पर रखती थी, इस विंडो के पास यहाँ पर। तो आई डोंट नो उसे कुछ काटा क्या हुआ, तो वो खैर बेचारा मर ही गया। तो चलें मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने बर्ड्स। ये देखें जी, मैंने इनको कवर किया हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो शोर डालते हैं, और आपको पता है ये अंधेरे में सोते हैं। तो खैर, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ अपने प्यारे से बर्ड्स, ये देखें। अच्छा, जो मरा था ना वो वाइट वाला था, इसके साथ की मतलब जोड़ी थी, अब सही नज़र आया आप लोगों को। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इनको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये देखें, अंदर इनके लिए हमने ये लगाई हुई है, एक ये ऐसा कोकोनट से मिलता है, ये स्टेयर्स पे इनको बैठना बहुत पसंद है, और ये पता नहीं इनकी क्या आदत है ये खाने की, ये देखें। तो अभी जो है ये दो हैं। अच्छा, ये दोनों ही मेल हैं, वाइट वाला भी मेल है, ग्रीन वाला भी मेल है, और जो फीमेल है वो कहीं हमारी अंदर छुपी हुई है। खैर, पहले मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ, ऐसे बना हुआ है, और ब्लू वाली जो है वो कहीं, अच्छा वो रही ऊपर, ये देखें ये बैठी हुई है यहाँ पर। तो हाँ, अभी सिर्फ फिलहाल मेरे पास तीन ही है, लेकिन इंशाल्लाह फिर देखेंगे। तो मैंने कहा चलिए आज मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। जी, तो सबसे पहले जो है वो मैं प्याज की कटिंग यहाँ पर करने लगी हूँ, और मैं छोटा छोटा काटूंगी प्याज, बारीक सा, बस चॉप ही करने में इसे। कोई स्पेसिफिक नहीं है, कैसे भी आप मतलब चॉप कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर प्रेफरेंस। बस मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं इसको छोटा छोटा चॉप करूं, बिकॉज यू नो शोरबा बनाना हो तो प्याज अच्छे तरीके से गले होने चाहिए, नहीं क्योंकि वो शोरबे मेरे को नहीं होते, देन वो अगर सामने नजर आए तैरते हुए तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में, सो दैट्स व्हाई। तो अच्छे से बस चॉप कर लूंगी मैं इसे, मजीद इसको मैं बारीक करूंगी, लेकिन इसके लिए नाइफ मुझे दूसरी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। सो या, आप तो ये देखें प्याज जो है वो मैंने कट कर लिए थी ऐसे, तो बस मैंने जो है वो फ्राई कर ली हूँ ऑयल में। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेने, शोरबे के लिए आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि अच्छे से हमें भुनाई करनी है चिकन की और आलू की। तो खैर, फिलहाल जब ये हो जाता है तो फिर इतने में जो है वो मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है और अदरक ले लिए, और इससे जो है वो हम इससे कूट लेंगे। लोग ब्लेंड भी कर लेते हैं, मेरे पास भी सब कुछ है, मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसमें फ्रेश डालूंगी, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो बस ऐसे जो है वो इसे हम कर लेंगे, कूट लेंगे।
फ्रेश चीज का अपना ही टेस्ट और जायका होता है। और यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ पर 3 टमाटर चॉप करके रखे हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं, और ये रहा मेरा हरा धनिया। आलू जो है वो मैंने पील करके रख दिए हैं, उन्हें जो है वो बस मैंने अभी कट करना है। तो चलें, जितने में मैं ये करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हो गया हमारा लहसुन और ये हो गया हमारा प्याज, यहाँ पर लाइट ब्राउन। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना क्योंकि हमने अदरक लहसुन भी भूनना है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा तो फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ। वहाँ पर आपको बर्नर ऑन नजर आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने यहाँ वहाँ से रिमूव की है ताकि प्याज हमारे जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो बस अब इसे जो है वो मैं अच्छे से भून लूँगी। ऑयल देखें कितना गर्म है, फ्लेम पे मैंने रखा हुआ भी नहीं है फिर भी ये सिजल हो रहा है। तो बस अब इसे वापस रखेंगे जी यहाँ पर हम चूल्हे पर और अच्छे से जो है वो अदरक लहसुन हम भूनेंगे कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए बेसिकली। और फिर बस हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, टमाटर अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो मैं बाहर में डालूंगी इसमें। चिकन भी मैंने अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया है, मतलब क्लीन करके फिर वॉश किया है उसे 2-3 टाइम्स अच्छे से ताकि वो साफ हो जाए। और वो मैंने दिन के 12 बजे का निकाला हुआ था जब मेरे हस्बैंड जॉब पे गए थे उनको ब्रेकफास्ट देने के लिए। हम हाँ बाप कहेंगे 12 बजे ब्रेकफास्ट, तो ये सुबह सुबह उठ के फिर इतना कुछ खाने भी नहीं होता, तो बेबी के साथ हमारी रूटीन ही ऐसी है, सो दैट्स व्हाई। तो बस फिर तब वो उठे थे उनके लिए मैंने बनाया तो मैंने निकाल दिया था चिकन, तो अब तक वो अच्छे से मेल्ट हो गया था तो मैंने अच्छे से उसे जो है वो कर लिया। तो बस ये देखें, चिकन इसमें डाल के फ्लेम अभी भी हाई है, अभी आहिस्ता नहीं करनी है आपने जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अभी हम जो है वो इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और एक हाथ से शूट करना और कुकिंग करना इट्स वेरी टफ। मेरा ट्राईपॉड 2 तो मैं ले चुकी हूँ, वो दोनों 2 बार ही ख़राब हो चुके हैं, लूज हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, फिर मुश्किल हो जाता है। बट इट्स ओके, लाइक आई सेड कि सबको ही आता तो बनाने में, बस आपको वो क्या मोटा मोटा जो है वो दिखा रही हूँ। बस अब इसमें जो है वो मैं मसाले ऐड करूँगी, घर के मसाले रेगुलर जो होते हैं आप बस वो ही जाएंगे इसमें। अब ये देखिए मैंने मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, घर के मसाले हैं, नथिंग डिफरेंट। हाँ लेकिन इसमें मैंने चिकन क्यूब जरूर ऐड की है, दैट्स ऑप्शनल इफ यू वांट ऐड और नॉट, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा हो जाता है उससे। तो बस ये देखें, चिकन ने अपना कलर जो है वो टोटली चेंज कर लिया था अदरक लहसुन के साथ, बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी, फिर मैंने इसमें मसाले डाले। तो बस इसमें वही है, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन क्यूब, जीरा भी मैं डालती हूँ वो एंड पर डालती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कोई डिफरेंट सा अगर मसाला खुद का ही बना के ना वो डालूंगी, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ भी पड़ा है, मतलब जो मैं लेके आई थी, बट वो नहीं डालूंगी मैं, फ्रेश कूट के डालूंगी। जिसमें मैंने सिर्फ जीरा, काली मिर्चें, एक बे लीफ और थोड़ी सी सिनेमन, और नॉट सिनेमन, लौंग ली है। सॉरी एकदम ब्रेन फ्रीज हो गया मेरा। तो खैर कोई बात नहीं, चलें बस अब इसकी जब थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी ना देन मैं टमाटर ऐड करूँगी। अभी तक इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, वो फ्लेम को कर लेते हैं जी। थोड़ा सा तेज की थी, मैंने आहिस्ता कर दी थी। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका। खैर आप लोग सुनाएं आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। अच्छा जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1, 2, 3, 4 अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 4 आलू लिए हैं और कुछ कुछ बीच में ऐसे जैसे मुझे लग रहा है कि देखिए जैसे ये निशान है ना उस पर, वो मैं उतार लेती हूँ हमेशा। तो ये मैंने पील करके धो के अच्छे से रख लिए थे पहले से ही, तो जो है वो मैं कटिंग कर लेती हूँ उसकी, वो बड़े नहीं रखूंगी मैं। शोरबे में हेयर आपको पता है बड़े ही जाते हैं, बट
मैं जो है वो थोड़े देख रही हूँ क्या करूँ, ये साइज रखूँ कि इससे भी छोटा रखूँ, बट आई थिंक दिस इज फाइन। फिर बहुत ही छोटे हो जाएंगे वो। अच्छा ये जो है वो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, जो आपको बीच में लगे कि बहुत बड़े हैं देन यू कैन लाइक ऑफ कोर्स अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये भी साइड से थोड़ा सा ना, पता नहीं एक तो ये जब भी सब्जी वगैरह कुछ भी लेके इतनी जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती है। अब पहले तो यहाँ पर जो है ना वो महीना भी रखी रखो तो चीजें खराब नहीं होती, फिर डाइट कर करके भी इंसान पतला नहीं होता है। सुनाए जरा आप, खाना ऑर्गेनिक लिखा हुआ भी हो तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं होता गाइस, तो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान तो है नहीं कि अपनी जमीन हो के बंदा अपनी चीजें नेचुरल जो है वो करे। तो ये देखें ये रहे जी आलू चार दर्द, आई फील लाइक इट्स अनफ क्योंकि हम तीन लोग हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और बाबा है। सो या आप ही के हस्बैंड माशाल्लाह से आ गए हैं, सो शी कुक्स डेली नाउ, लेकिन फिर भी जो मैं कुछ बनाऊँ तो उसे दे ही देती हूँ। पर आज आप ही ने बनाए हैं कोफ्ते आलू, सो या तो बस ये रहा जी, ये भी हो गया हमारा। मैंने कहा जी आलू की कटिंग करने के बाद इसके हालात चेक कर रहे हैं कि क्या है, तो टमाटर जो है ना वो अच्छे से इसमें हो गए हैं, गल गए हैं। अभी मैंने चम्मच चलाया है लेकिन देखने से पता चल जाता है, देखें कितने सॉफ्ट हो गया, एकदम से घुलने शुरू हो गए हैं। बस अभी इसी स्टेज पे बस थोड़ा सा मैंने इसको भून लूँ। और अच्छा देगी चीजों का क्या होता है कि शोरबा हो या कोई भी चीज़ हो ना, मेरी मामा कहती थी भुनाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं मतलब मैंने खाना किसी से बनाना नहीं सीखा, मेरी मामा बनाती थी तो मैं उनको देखती थी, मेरी आप ही बनाती थी तो मैं मतलब उसको देखती थी ना, तो फिर मतलब मुझे आइडिया हुआ। एंड अभी भी काफ़ी चीज़ें मेरी आप ही बहुत अच्छी बनाती है, उनका यूट्यूब का चैनल भी है तो इंशाल्लाह उसका भी मैं लिंक आज जो है वो कोशिश करूँगी इस वीडियो पर लगा दूँ, तो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और काफ़ी चीज़ें जो मुझे नहीं अभी भी पता होती ना, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि रेसिपी बता दो या क्या करना है, तो वो मुझे बता देती है, देन आई मीन आई कैन मेक इट, तो वो बन जाती है। लेकिन मैंने सीखा प्रॉपर किसी से नहीं है, खुद ही बस मुझे आ गया देख देख के ना। तो खैर मेरी मामा बनाती थी सो वो कहती थी इनमें बुनाई जो है वो ज़्यादा होती है। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी मसाले हैं ना तो फिर भी बस वो बेबी को भी ज़रा जो है गले में लगते हैं, क्या करें अभी मजबूरी है, घर में कोई है नहीं तो मुझे फिर साथ साथ उसको रखना पड़ता है। प्याज लेकिन जब मैं फ्राई करती हूँ तो मैं उसको नहीं रखती यहाँ पर, बिकॉज वो आँखों में लगता है बहुत। अच्छा जी ये देखें टमाटर अच्छे से घुल गए हैं इसमें, चिकन भी मैं बस देख ही लूँ, चिकन तो खैर नहीं गली अभी, लेकिन यहाँ का चिकन पाकिस्तान के चिकन से सेपरेट लाइक अलग होता है, जल्दी कुक हो जाता है, वहाँ के को टाइम लगता है। पानी भी मैं इसमें नहीं है और ऐड कर रही फिलहाल, पानी तो मैंने जब से मतलब स्टार्ट किया इसमें डाला ही नहीं है, ये अपना खुद ही रिलीज करेगा। तो अब हम जो करते हैं जी आलू डाल देते हैं इसमें, ठीक है। बस अब आलू और चिकन, अब ये मैं छोड़ रही हूँ जी दम पर, ये खुद ही अच्छे से गल जाएगा, जब मुझे पानी की जरूरत होगी तो हम पानी और डालेंगे क्योंकि हमने शुरू में चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। सो दैट्स इट। देखिए मेन ऑयल जो गरम मसाला मैंने कहा था कि मैं खुद ही बना रही हूँ वो मैंने इसमें डाल दिया है, एंड पे मोस्टली मैं डालती हूँ, लेकिन इसका ये है कि फ्लेवर जो है वो अच्छे से इसमें डेवलप हो जाता है कुकिंग के बीच में ही ना, तो मैंने डाल दी है। और ये मैंने आपको बताया था कि मैंने जीरा लिया है, ब्लैक पेपर लिए हैं 6 to 8 ब्लैक पेपर्स थी, 4 इसमें जो है वो क्लोव्स से एंड वो जस्ट क्यूमन सीड्स। तो खैर ये देखें अब अच्छे से जो है हम बस वेट करेंगे कि अच्छे से ये गलने शुरू हो जाए, तो फिर इसे कवर करके हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर देखिए वापस आ चुके हैं जी हम किचन में, और वहाँ पर जो है ये देखिए मैंने नल खोला हुआ था गर्म पानी भरने के लिए, क्योंकि ये अब हम अपना शोरबे के लिए जो है वो ऐड करेंगे। फिलहाल तो मैं ऐसे रखती हूँ यहाँ पर, ये देखें इसकी बहुत अच्छे से जो है वो बुनाई हो गई है, आगे भी हमने की थी और अभी भी।
आलू डाल के थोड़ी देर मैंने से रखे दम पे। तो है अब जो है वो हम इसे पानी लगा लेंगे और बस फिर शोरबा पकने तक जो है वो हम, तो देखिए आलू भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, कोई कोई है इसमें कसर है अभी थोड़ी, लेकिन पानी हम इसे लगा के फिर जो है वो हाई फ्लेम पे छोड़ेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। अच्छा जो वो मैंने भरा था सारा नहीं ऐड किया, अंदाजे से बस डालना है आपने, गर्म पानी डालना है। तो खैर हमारा तो यहाँ पे टैप वाटर हॉट आ जाता है तो बस मैंने वो ही किया, आप अगर नहीं आता तो बॉयल करके जो है वो इसमें पानी डाल लीजिए। तो बस अब मैं इसे कवर करूंगी और फ्लेम में मीडियम ही रखूंगी क्योंकि अभी भी हमारे आलू और चिकन में जो है वो थोड़ा सा टेंडर नहीं हुए तो वो होना बाकी है। आप तो ये देखेंगे जो है वो अच्छे से पक गए। आप शोरबा अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो हमारे चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया, आलू भी गल गए, ये मैंने बस 3 मिनट पहले ही डाली है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो जो मैंने ग्रीन चिली ली थी ना उसको मैंने बीच में से ना स्लिप कर लिया था, ये देखें। और ये स्पाइसी इतनी नहीं है और आहार में मैंने इसमें मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने ब्लैक पेपर जो है ना वो अच्छे से पीस के फ्रेश डालनी है, पाउडर नहीं आपने लेना, फ्रेश मतलब पाउडर करना है। तो बस ये हो गया जी, नमक कम था वो मैंने ऐड किया। अब इसमें मैं बस चूल्हा जो है वो हम बंद कर देते हैं इस स्टेज पे, ये देखें। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया और गरम मसाला, मैंने ऑलरेडी पहले डाला हुआ तो मैं उन्हें डालूंगी क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये देखें ये धनिया डाल के हल्का सा मिक्स कर लें अच्छे से। अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसका जो है ना वो ऑयल तरी जो भी आप कह लें वो ऊपर आ जाए। अपने खाने की जो है वो हम देख लेते हैं जी हालात, और ये रहा माशाल्लाह वाओ। तो ये देखें जी बहुत अच्छे से ये बन गया है बिकॉज लुक एट द ऑयल, ऑयल बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है जो तरी होती है बेसिकली। और ये कभी भी मतलब मेरे से आलू और चिकन का ना अच्छे से नहीं था बनता, मतलब आलू गोश्त और जो मटन और आलू होते हैं वो सही बन जाता था, इसके साथ पता नहीं क्या हमेशा तरी नहीं थी आती, लेकिन आज आ गई है और आज मैंने शूट भी रिकॉर्ड भी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, दिस इज फॉर बिगिनर्स जिनको थोड़ा इशू होता है ऐसे हो जाता है, तो बहुत ईजी क्विक और अच्छी रेसिपी है। और इसके साथ आप रोटी खा लें, नान खा लें या बॉयल राइस खा लें, दैट्स जस्ट योर प्रेफरेंस। तो बिकॉज मेरे हस्बैंड का गला खराब है सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड मेक रोटी। तो बस आज का ही था मेरा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। इफ यू डू लाइक इट डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, अल्लाह हाफिज़।